हजरत गिरामी यत मोहम्मद इमरान अय्यूब कादरी साहब जो हदिया अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे, इसी दौरान मोहम्मद तनवीर साबरी साहब एक्सप्रेस न्यूज वाले भाई मोहम्मद वकास अलवी सदर कारवान इश्क मुस्तफा स्टेज की जीनत बने हैं। अंजुमन तलबा इस्लाम के अहबाब की जानिब से, अंजुमन गुलामान पीर सियाल दावत इस्लामी के अहबाब की जानिब से आपको और बिलखसूस दुनिया नात में खूबसूरत नाम हाफिज मोहम्मद रेहान रूफी फैसलाबाद से अपनी पूरी टीम के साथ तशरीफ फरमा हुए हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त आपको सुना जा रहा है, मैं आपको खुश आमदेद पेश करता हूँ और वो 8 बजे से तशरीफ फरमा है, तो अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अब नाम काफ़ी है, मेरी मर्जी नहीं अहले खाना की मर्जी है कि 30 से 35 मिनट में हम 3 नात खानों को सुनते हुए तकरीबन आधे घंटे में जनाब रेहान भाई तक पहुंच जाए। घर वालों की मर्जी है, मेरी नहीं है, उन्होंने मुझे शेड्यूल लिख के दिया है, मेरी आदत नहीं है मैं माइक पे मिनट बताऊं, तो अब मिनट मैंने टोटल अनाउंस कर दी है ताकि किसी की दिल आजारी ना हो, तो उसी में अपनी मोहब्बतों को पेश करें। आपके लिए सना खान होना बौड़ा बहुत बड़ा एजाज है, अब आका के नौकर हैं हम, अपने हाथ भी आपके कदमों के नीचे रखे तो कम है। मेरी सरकार ने आपको प्रोटोकॉल दिया है और आपके चेहरे के लिए हजरत हसन के आप गुलाम है ना, तो हुजूर ने फरमाया था ए अल्लाह जबरील के जरिए हसन की मदद कर, तो नात खानों के लिए हुजूर की दुआ है। इतना सफर करना, इतना पढ़ना, लोग दंग रह जाते हैं, इतना जोर कहाँ से आया, इतना सफर आप कैसे कर लेते हैं, तो ये हुजूर इस्लाम की दुआ चल रही है। जो भी बिदअत मुस्तफा में अब खुलेगा कर्म होगा। मोहतरम मोहम्मद नासिर अब्बास नक्शबंदी फखरे सरगोदा आपसे मुल्तमिस हूँ, अपने कलिमात मोहब्बत से हमें नवाजें, बड़ा नाम सुना है, इसके बाद इंशाल्लाह जामी साहब और तारिक मदनी और फिर बिला तखीर जनाब रेहान रूफी साहब होंगे और मैं फिर अपने उरूज को छूती हुई इंशाल्लाह इख्तितामी मरहले में पहुंचेगी अलहाज शहजाद अली मदनी साहब पर, इंशाल्लाह हम सलाम पढ़ेंगे। आप इसी अकीदत से फखरे सरगोदा नासिर अब्बास नक्शबंदी साहब को समाप्त करें, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत अजमत व शान मुस्तफा।